हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रास होपर। तो स्टार्ट करते हैं विद द सिस्टमैटिक पोजीशन। ग्रास होपर बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से। इसके अंदर जॉइंटेड लेग्स हैं, स्केलराइज्ड एक्सोस्केलेटन है। इसका जो सिलोम है वो कन्वर्टेड है इनटू द हिमोसिल एंड इसमें माउथ पार्ट्स भी प्रेजेंट हैं। सब फाइलम है मैंडिबुलाटा, मीन्स इसके माउथ पार्ट्स के अंदर मैंडिबल्स प्रेजेंट हैं। इसकी जो क्लास है इंसेक्टा है। इट हैविंग थ्री पेयर ऑफ लेग्स, मतलब हेक्सापोडा, और ट्रैकल रेस्पिरेशन शो करता है। इसके अंदर वन पेयर ऑफ एंटीने प्रेजेंट हैं। इसका सब फाइलम है टेरिगोटा, इसका मतलब है कि इसमें टू पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट हैं। इसका ऑर्डर है ऑर्थोप्टेरा, मीन्स इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं। इसकी फैमिली है एक्रीडी, मीन्स इसका जो साइज़ है वो मीडियम से लार्ज साइज़ का हो सकता है। इसका प्रोटोनोटम वेल डेवलप्ड नहीं है। जीनस है पोसिलोसिरस एंड इसकी स्पीशीज़ है पिक्टिस। डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट की बात करें तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे कॉस्मोपोलिटन कहते हैं। और ये मिलता है एक ही प्लांट्स के ऊपर ड्यूरिंग समर इंडिया और अफ्रीका में। अगर इसकी हैबिट्स की बात करें तो ये डायर्नल इंसेक्ट है, मींस ये डे टाइम में एक्टिव रहता है। ये एक वोरेशियस हर्बीवोर है और फीड करता है ऑन द लीव्स ऑफ एक होपर प्लांट। वोरेशियस का मतलब होता है ये रैपिडली खाते रहता है, और आप कह सकते हैं कि भुक्कड़ की तरह ये खाते रहता है। लोकोमोशन ट्रिपल मोड है इसका लोकोमोशन का, क्रॉल भी कर सकता है, लीप कर सकता है, और विद द हेल्प ऑफ टू पेयर ऑफ थोरेसिक विंग्स ये फ्लाई भी कर सकता है। रेस्पिरेशन ट्रैकुलर रेस्पिरेशन शो करता है। अगर ब्रीडिंग की बात करें तो यूनिसेक्सुअल है और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। इसमें जो मेल और फीमेल है एक्सटर्नली हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, विंग्स लेंथ एंड जेनिटेलिया। फीमेल ओविपेरस होती है और एग ले करती है इन द ग्राउंड। वहाँ पे ये क्या करेगी, एक होल बना देगी और ग्राउंड में अगले करेगी। इसका जो निम्फ है रिजेंबल करता है एडल्ट से इन देयर स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ लाइफ, लेकिन एडल्ट और निम्फ में एक डिफरेंस है कि एडल्ट के पास वेल डेवलप्ड विंग्स होते हैं, लेकिन निम्फ में विंग्स एब्सेंट कह सकते हैं हम, या फिर छोटे होते हैं। जैसे जैसे मोल्डिंग होती रहेगी उसके अकॉर्डिंग विंग्स की डेवलपमेंट होती रहेगी। जो निम्स हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं। अगर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो शेप, साइज, कलर एंड सिमेट्री देखते हैं। नैरो, इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इसकी, और बाइलेटरल सिमेट्री है। लार्ज इंसेक्ट है और इसका जो साइज़ है 9 सेंटीमीटर तक हो सकता है लेंथ में। येलोइश कलर का होता है ये, और इस पर ब्लू स्पॉट्स या बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है या पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ब्लू येलो कलर का ग्रास ऊपर है ये। नेक्स्ट अगर हम इसके एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं तो इसकी पूरी बॉडी कवर्ड है एक हार्ड क्यूटिकुलर एक्सोस्केलेटन से, जो कि सिक्रीट करती है इसकी एपिडर्मिस। एक्सोस्केलेटन बना हुआ है सेपरेट थिक प्लेट्स का जिन्हें स्केलराइट्स कहते हैं। इसकी क्यूटिकल सॉफ्ट होती है और प्रेजेंट होती है इन बिटवीन द सेगमेंट्स, और जो सॉफ्टर रीजन है इस क्यूटिकल का वो सूचर कहलाता है। ये सूचर्स हेल्प करते हैं बॉडी की मूवमेंट में और अपेंडिजेस की मूवमेंट में। इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो स्केलरोप्रोटीन का या फिर काइटिन का बना होता है। आउटर सरफेस कवर्ड है बाय दी थिन वैक्सी लेयर। इसके एक्सोस्केलेटन में जो पिगमेंट है वो अंदर क्यूटिकल प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव कलरेशन, जिसके कारण जो ग्रास होपर है अपनी सराउंडिंग के साथ रिजेंबलिंग शो करता है। जो एक्सोस्केलेटन है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि ये प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को अगेंस्ट दी मैकेनिकल इंजरी। हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है मसल्स के लिए ताकि वो अटैच हो जाएं,
और सेंसरी ब्रिसल्स की फॉर्मेशन भी करता है इसका एक्सोस्केलेटन। अगर हम इसकी बॉडी डिवीज़न देखें तो ग्रास हॉपर सेगमेंटेड है और डिवाइडेड है इनटू थ्री टिपिकल रीजंस, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हेड पियर शेप्ड है और हाइपोगनेथस टाइप है। हाइपोगनेथस मीन्स जो इसके जॉज हैं वो लोअर साइड में प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड से और पोस्टीरियर साइड से ये फ्लैट है और सिक्स एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से बना हुआ है, जैसा कि आप इसके पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्केलराइड्स। तो हेड के स्केलराइज फ्यूज्ड हैं और एक कम्पैक्ट हेड कैप्सूल की फॉर्मेशन करती हैं, जिसे कि एपिक्रेनियम कहा जाता है। जो हेड कैप्सूल है उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो डॉर्सल रीजन है उसे वर्टेक्स कहते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ग्रीन कलर से शो किया गया है। जो लेटरल साइड हैं चिक्स या फिर जीनिया कहलाती हैं, जो कि थोड़ा ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर से शो की गई हैं। और फ्रंट पोर्शन जो है इसका येलो कलर से जो शो किया है वो है फ्रॉन। इसमें एक रेक्टेंगुलर प्लेट प्रेजेंट है बिलो द फ्रॉन्स, जो कि ब्लू कलर से शो की गई है, जिसे क्लाइपिस कहा जाता है। एक प्रोमिनेंट लाइन है एपिस्टोमल सूचर्स की, जो कि सेपरेट करती है इन दो प्लेट्स को एक दूसरे से। इसके हेड पर वन पेयर डोर्सोलेटरल कंपाउंड आइज प्रेजेंट हैं, जो डार्क ब्राउन कलर से शो की गई हैं। और फ्रंट साइड पे यहाँ पे देखो आप, पिंक कलर से ओसिलाई शो किया गया है, जिन्हें कि सिंपल आइज भी कहा जाता है। इनके हेड पर वन पेयर सेगमेंटेड एंटीने भी प्रेजेंट हैं एंड वन सेट ऑफ च्यूइंग माउथ पार्ट भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है एंटीने। तो आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं एंटीने लॉन्ग है, फिलीफॉर्म है और जॉइंटेड अपेंडिजेस की हेल्प से बना है। इसमें बहुत सारे जॉइंट्स प्रेजेंट हैं और ये फिक्स होता है पिट के अंदर, जो कि हेड पे प्रेजेंट होगी। एंटीनल सॉकेट होते हैं फ्रंट ऑफ कंपाउंड आई हेड के ऊपर, और इसमें एक बेसल जॉइंट प्रेजेंट है जो कि लार्ज है, एक स्केप प्रेजेंट है और एक शॉर्ट पेडिसल प्रेजेंट है, और कुछ जॉइंटेड फ्लैजिलम प्रेजेंट है। ये ऑर्गन हेल्प करता है इन सेंसेशन, टच एंड स्मेल की सेंसेशन में हेल्प करता है, और इसको माना गया है कि ये मॉडिफिकेशन है सेकेंडरी क्यूटिकल की। नेक्स्ट है माउथ पार्ट। तो यहाँ पे आपको पिक्चर की हेल्प से दिखाया हुआ है डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे कंबाइन होके एक ही माउथ पार्ट बनाते हैं। तो मूवेबली आर्टिकुलेटेड अपेंडिजेज है जो कि माउथ के चारों तरफ हैं। माउथ पार्ट इसके च्यूइंग या मैंडिबुलर टाइप के कहलाते हैं, जो कि बाइटिंग एंड च्यूइंग में हेल्प करता है, इंसेक्ट की बाइटिंग और च्यूइंग में हेल्प करता है। और बना हुआ है लैब्रम, हाइपोफारिंग्स, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, मैक्सिले एंड लेबियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैब्रम यहाँ ऊपर साइड पे प्रेजेंट है। तो ये लैब्रम है, अपर लिप है, ब्रॉड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है और अटैच है विद द वेंट्रल एज ऑफ क्लाइपिस। इसके अंदर एक शैलो नोच प्रेजेंट है इसके फ्री मार्जिन पर। ये लैब्रम लेबियम के साथ मिलके फूड को होल्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट है हाइपोफारिंग्स, जो ये सेंटर में दिखाई दे रही है। हाइपोफारिंग्स को लिंगवा भी कहते हैं और ये मीडियन है, मूवेबल टंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लैब्रम के नीचे प्रेजेंट होती है। इसमें एक नैरो बेसल पार्ट है और एक ग्लोबुलर डिस्टल पार्ट है। इसके अंदर ओपनिंग होती है सलाइवरी डक्ट की। नेक्स्ट है मैंडिबल। तो यहाँ पे आपको ये मैंडिबल्स नज़र आ रहे हैं
तो मैंडिबल आर्टिकुलेटेड हैं विद द सब जीनिया और प्रेजेंट हैं या पोजीशन इनकी है ऑन द साइड ऑफ प्री ओरल कैविटी जस्ट बिहाइंड द लैब्रम। दोनों मैंडिबल हार्ड हैं, कर्व्ड हैं और हैविली स्कैलराइज्ड हैं। इनमें ब्लैक टीथ प्रेजेंट हैं इनके इनर मार्जिन पे, जहाँ ये आपको डेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये इनके टीथ हैं, ब्लैक टीथ हैं। ये मैंडिबल मेस्टिकेशन का काम करते हैं और ट्रांसवर्स प्लेन में ये मेस्टिकेट करते हैं फूड को। नेक्स्ट है मैगजिला, ये भी आर्टिकुलेटेड है विद द सब जीनिया और प्रेजेंट है ऑन द साइड ऑफ प्री कैविटी बिहाइंड द मैंडिबल्स। इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं, तो बेसल पार्ट जो है इसका वो है कार्डो, इसका जो मिडल वाला पार्ट है वो है स्टेपिस, इसका डिस्टल और जो कर्व्ड पार्ट है वो है लेसिनिया, और इसका एक सिलेंडर पार्ट है ग्लिया, ये वाला पार्ट है इसका ग्लिया। इसके जो मैक्सिलरी पैल्प है उसके अंदर 5 सेगमेंट है जो कि अराइज होता है फ्रॉम द पैल्पिफर। ये मैक्सिला हेल्प करता है फूड को पास करने में टू द मैंडिबल्स। नेक्स्ट है लेब्रम, ये लोअर लिप है, ये बना है बाय द फ्यूजन ऑफ ए पेयर ऑफ सेकंड मैक्सिला, और इसके अंदर सबमेंटम, मेंटम और मूवेबल, टू मूवेबल फ्लैप हैं जिसे लिंग्वी कहते हैं। 3 सेगमेंटेड सेंसरी लेबियल पैल्प प्रेजेंट है दोनों साइड पे। लेबियम लैब्रम के साथ मिलके फूड को होल्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट है थॉरेक्स, तो थॉरेक्स जो है मिडल पार्ट है। अभी इससे पहले हमने हेड की बात की है, हेड के ऊपर जो जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसकी बात की है। नेक्स्ट है बॉडी पार्ट इसका थॉरेक्स, तो मिडल रीजन है बॉडी का जो कि हेड को एब्डोमेन से सेपरेट करने का काम करता है बाय द फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, और 3 सेगमेंट्स हैं इसके थॉरेक्स के। एक है इसका प्रोथोरेक्स, मेसोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स। जो एक्सोस्केलेटन है इस थॉरेक्स का उसके ऊपर 4 स्केलराइड्स प्रेजेंट हैं। एक है इसमें डोर्सल टर्जम या फिर नोटम कहलाता है, 2 लेटरल प्लूरा है और एक वेंट्रल स्टर्नम है। तो ये 4 एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं तीनों सेगमेंट्स में, थोरेक्स के तीनों सेगमेंट में। जो डोर्सल रीजन है प्रोथोरेक्स का वो प्रोनोटम कहलाता है और बड़ा है, लार्ज है। ये कवर करता है नेक को फ्रंट साइड से, और जो मेसोथॉरेक्स है वो बिहाइंड एंड प्लूरा ऑन साइड्स। तो इस तरह से ये अटैच करता है हेड को एब्डोमेन के साथ। नेक्स्ट है अपर्चर्स, तो 2 पेयर ऑफ स्लिट लाइक अपर्चर प्रेजेंट हैं इसके अंदर, स्पायरिकल्स कहते हैं जिन्हें, ऑन दी साइड ऑफ थोरेक्स नियर दी वेंट्रल मार्जिन। तो जो फर्स्ट पेयर है वो प्रेजेंट होता है इन बिटवीन दी प्रो एंड मेसोथॉरेक्स बिलो दी प्रोनोटम, और जो सेकंड पेयर है वो प्रेजेंट है इन बिटवीन दी मेसोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स जस्ट अबव दी कॉक्सी ऑफ दी मेसोलेग। तो अपेंडेजेस की बात करते हैं हम, थोरेसिक अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं इसमें। तो थोरेक्स के पास 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स हैं और 2 पेयर विंग्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेग्स की बात करते हैं, तो थोरेसिक सेगमेंट में पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं जो कि अटैच होती हैं वेंट्रोलेटरली बिटवीन द स्टर्नम एंड प्लूरोन। ये लेग्स बनी हुई हैं 5 सेगमेंट से जिसमें कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड टार्सस इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है लेग्स का, तो सबसे पहले ये कोक्सा है, ये क्या काम करता है, अटैच करता है लेग को प्लूरोन के साथ, और प्लूरोन प्रेजेंट होता है थोरेक्स में।
तो थोरेक्स के साथ लेग को अटैच करने का काम करता है कोक्सा। इसके बाद होता है ट्रोकेंटर जो कि इसका लेटरल जॉइंट है। नेक्स्ट है फीमर, तो ये लार्जेस्ट है, ये फीमर बोन है इसकी, इलोंगेटेड है, वेरी ग्रेटली डेवलप्ड है इन दी हाइंड लेग्स और इसके अंदर स्टेडुलेटिंग अपरेटस प्रेजेंट होता है। जो स्टेडुलेटिंग अपरेटस है ये एक वी शेप की रिज बनाता है एंड अ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल रिज भी प्रेजेंट है इसके अंदर। तो जो टीबिया है, ये टीबिया है, इलोंगेटेड है, डीपली सीरिएटेड है। यहाँ पे आपको स्पाइन नज़र आ रहे हैं, तो ये सीरिएशन है टीबिया की आउटर साइड पे। नेक्स्ट है टार्सस। टार्सस के तीन सेगमेंट हैं या फिर टार्सोमेर भी कहते हैं इसको। जो लास्ट वाला टार्सोमियर है वो प्रोटो टार्सस कहलाता है। इसमें स्मॉल कर्व्ड क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट हैं इन बिटवीन दी पेल्वियस या फिर एरोलियम। तो एक कंपैक्टेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लास्ट सेगमेंट ऑफ टार्सस, तो वहाँ पे क्लॉज प्रेजेंट होते हैं। जो पेल्वियस है ग्लैंडुलर पार्ट है और एडहेसिव सिक्रीशन प्रोवाइड करता है इंसेक्ट को अ ग्रिप ऑन अ स्मूथ सरफेस। और जो क्लॉज हैं वो स्मूथ सरफेस पे होल्ड नहीं कर पाते, तो ये क्लॉज और जो स्पाइंस हैं ये क्लाइंबिंग के टाइम पे हेल्प करते हैं। जब ये रफ़ सरफेस पे क्लाइम करते हैं तो उस टाइम पे ये स्पाइंस और क्लॉज हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सभी के सभी जो लेग्स हैं वॉकिंग क्लाइंबिंग के लिए यूज़ होती हैं और इनमें पावरफुल मेटाथोरेसिक लेग हैं, मतलब जो हाइंड लेग्स हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं, उनकी हेल्प से जंप कर सकता है, लीप कर सकता है। साल्टेटरी लेग्स भी कहते हैं इन्हें। और ग्रास ऊपर जो पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करता है ये करता है बाय रबिंग इट्स फोर विंग ऑन द रिज ऑफ स्टेडुलेटिंग अपरेटस। नेक्स्ट है विंग्स, तो विंग्स टू पेयर हैं जो कि डोर्सोलेटरल सरफेस ऑफ मेसोथोरेसिक एंड मेटाथोरिक सेगमेंट में अटैच होते हैं या प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द टर्जम एंड प्लूरोन। विंग डेवलप होता है सेक लाइक प्रोजेक्शन की तरह एपिडर्मिस से और बाद में फ्लैट हो जाता है और एक थिन डबल लेयर मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। विंग्स में बहुत सारी वेंस प्रेजेंट होती हैं और ये वेंस के जो अरेंजमेंट है ये स्पेसिफिक होती है फॉर दी एवरेज स्पीशीज। मेसोथोरेसिक विंग या फिर फोर विंग्स जिसे टेजमीना भी बोलते हैं, ये नैरो है, पर्चमेंट लाइक है और लॉन्ग इनफ टू एक्सटेंड बैक बियॉन्ड एब्डोमन। तो ये इतना लंबा है कि एब्डोमन तक चला जाता है। यूनिफॉर्मली कलर्ड है और स्पॉटेड है, शेड्स हैं इसमें। इनका काम फ्लाइट के लिए नहीं है मेल्स के अंदर, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। मेल्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेन एक्स्ट्रा हैं और शार्प डिस्टल एज हैं इनके जो कि रब होती हैं विद द वी शेप रिज ऑन द स्टेडुलेटिंग अपरेटस। और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं साउंड। नेक्स्ट है मेटाथोरेसिक और हाइंड विंग्स जो कि ब्रॉड हैं, मेम्ब्रेनस हैं और फोल्डेड रहते हैं, जैसे चाइनीज फैन फोल्ड रहता है वैसे फोल्ड रहते हैं। ऑरेंज कलर के हो सकते हैं और यूज़ होते हैं फ्लाइट में। तो इनके फोर विंग्स फ्लाइट के लिए यूज़फुल नहीं है, हैंड विंग यूज़फुल है। एब्डोमन की अगर बात करें तो एब्डोमन इसका सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप का है और 11 सेगमेंट से बना होता है। इसके अंदर सिर्फ 10 टर्जिड
जो हैं वो देखे जा सकते हैं। इसमें 11th और जो 10th है वो फ्यूज्ड होते हैं और कनेक्टेड हैं टू वन अनदर बाय सॉफ्ट इंटरसेगमेंटल मेम्ब्रेन, जो कि इनकी मूवमेंट को के लिए हेल्प करता है। हर एक सेगमेंट में डोर्सल टर्जम है, वेंट्रल स्टर्नम है, इसके अंदर कोई प्लूरा प्रेजेंट नहीं है। तो जैसा हमने थोरेसिक सेगमेंट में देखा था, उसमें एक वेंट्रल एक्सटर्नम, वेंट्रल स्टर्नम, डोर्सल टर्जम और प्लूरा प्रेजेंट थी लेटरल साइड पे, लेकिन इसमें लेटरल प्लूरा प्रेजेंट नहीं होती। फर्स्ट सेगमेंट इनकम्प्लीट होता है क्योंकि इसका जो स्टर्नम है वो कनेक्ट होता है विद द थोरेक्स और इसमें सिर्फ एक ही टर्जम प्रेजेंट होता है। लेटरल साइड पे जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है वो ओवल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कवर करता है, जो कि एक ऑडिटरी सैक या ऑर्गन ऑफ हियरिंग है। स्पायरिकल्स, 8 स्पायरिकल प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन में। फर्स्ट पेयर लार्ज होता है एज कंपेयर टू द अदर्स और प्रेजेंट होगा क्लोज टू द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ टिम्पैनम। जो रिमेनिंग 7 पेयर हैं स्पायरिकल्स के वो वेंट्रोलेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं टर्जा के। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो मेल स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू फीमेल और 2nd से 7th सेगमेंट तक जो फीमेल हैं और जो मेल हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन जो 8th और 10th एब्डोमिनल सेगमेंट है वो दोनों के अंदर डिफरेंट होता है। वहाँ पे उनके जो एग्स और स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, जहाँ से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का पता चलता है। मेल की एंड पार्ट दिखाया हुआ है और फीमेल का भी दिखाया हुआ है। मेल्स के अंदर जो टिप है एब्डोमेन की वो राउंडेड है, जो 9th स्टर्नम है वो बहुत ही लार्ज है, बोट शेप का है, हाइपेंड्रिम कहा जाता है इसे, और इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक एंटीरियर 9th स्टर्नम प्रॉपर और पोस्टीरियर स्टर्नल लोब या फिर सब जेनेटल प्लेट। जो सब जेनेटल प्लेट है वो कवर करती है मेल के जेनेटल पोर को और टर्मिनेट होती है इन द डोर्सल साइड इन 2 शॉर्ट प्रोजेक्शंस। जो 9th स्टर्नम है वो इनक्लोज करता है कॉपुलेटरी ऑर्गन को और इलोंगेट होता है इन द कर्व्ड अपवर्ड्स, जो कि एनल सीरस हैं वो बिगर होते हैं और बाइफिड होते हैं। फीमेल के एब्डोमेन जो है वो लोअर एंड से टेपरिंग होता है एज कम्पेयर टू मेल। जो 9th स्टर्नम है वो इलोंगेटेड होगा और ओपन होगा फीमेल जेनेटल पोर में। जो इंटर सेगमेंटल मेम्ब्रेन है पोस्टीरियर साइड पे 8th स्टर्नम के, वो फॉरवर्डली डायरेक्टेड है और एक पाउच बनाती है जिसे कि जेनेटल चैम्बर कहते हैं। एब्डोमन टर्मिनेट इन 3 पेयर ऑफ वाल्व्स, फर्स्ट वेंट्रल, सेकंड इनर एंड थर्ड डोर्सल, और कलेक्टिवली ये एग लेइंग अपरेटस बनाती हैं जिसे कि ओवी पोस्टर कहा जाता है। जो 11th सेगमेंट है वो दोनों सेक्स के अंदर सेम है। 11th सेगमेंट सिर्फ टर्जम से बना है और उसमें सुप्रा एनल प्लेट कवर करती है एनस को। इस स्मॉल प्रोसेस बिहाइंड 10th सेगमेंट ऑन आइदर साइड फॉर्म अ स्मॉल प्रोसेस जिसे कि एनल सिरस सर्कस कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रास होपर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।